नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करेंगे फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें, हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट परमानेंटली। अगर आपके पास कोई फेसबुक अकाउंट है जिसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो 2023 के अंदर क्या कुछ प्रोसेस रहेगा अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने का, इसी फेसबुक अकाउंट को आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, आखिर तक देखो, पूरा प्रोसेस बताता हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी कोशिश आपको वक्त के साथ सोशल मीडिया पर अपडेट रखने की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है, जिस भी फेसबुक अकाउंट को आपको डिलीट करना है। तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसको मैं प्रोसेस करके दिखाता हूं कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो। ओके, यहां पर आपको 3 लाइन पे टैप कर देना होगा, तब नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। अब सेटिंग पर क्लिक करोगे तो कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको एक पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जस्ट सिंपल टैप कर देना है। पर्सनल डिटेल के अंदर अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन पे जस्ट सिंपल टैप कर देना है। अब ये अकाउंट आपका डिलीट होने वाला है वो दिखाएगा, तो इस पर एक बार टैप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि यह डीएक्टिवेट क्या होता है और डिलीट अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डीएक्टिवेट करने से क्या कुछ होता है। तो आप फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हो तो आप जब तक डीएक्टिवेट रखोगे तब तक आपका फेसबुक अकाउंट किसी को दिखाई नहीं देगा, फेसबुक से आपका अकाउंट हाइड हो जाएगा, बट आपका फोटो वीडियो जो भी आपने पोस्ट कर रखा होगा वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। जब आप वापस से रीएक्टिवेट करोगे, वापस से आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे फेसबुक के अंदर, तो जहां से आपने लीव किया था वहीं से आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। आपके सारे पोस्ट वापस आ जाएंगे, सारे फोटोज वापस आ जाएंगे, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। बट रीएक्टिवेशन वेटिंग के दौरान आपके अकाउंट फेसबुक पर किसी को विजिबल नहीं होगा, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस कंडीशन में आप डीएक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको ब्रेक लेना है। बट अगर आपको फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर देना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है, तो डिलीट अकाउंट पर करो। बट उससे पहले समझ लो कि डिलीट कर देते हो तो उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके, यहां पर कंटिन्यू पे जस्ट सिंपल टैप कर देना है। अभी आपको रीजन पूछेगा कि अकाउंट को क्यों डिलीट करने वाले हो, तो कोई भी एक रैंडमली रीजन दे सकते हो, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, परमानेंटली डिलीट अकाउंट के हम पेज पर आ चुके हैं, आपको सबसे लास्ट पे चले जाना है। अब यहां से आप इंफॉर्मेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो, बट आपको कंप्लीट डिलीट ही करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये सिक्योरिटी रीजन के लिए पासवर्ड के लिए पूछता है, तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर देना है। ओके गाइस, मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया है। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको लास्ट अटेंशन के लिए बोलेगा कि कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन। तो यहां से आपको एक चीज समझनी होगी कि आप डिलीट कर देते हो तो अभी से फेसबुक अकाउंट आपका डिलीटेशन पर लग जाएगा, फेसबुक से आपका अकाउंट हाइड हो जाएगा, आपका पूरा कंटेंट ही हाइड हो जाएगा, पूरा अकाउंट ही गायब हो जाएगा। बट अभी भी आपके पास 30 दिन होंगे, 30 दिन के अंदर आपका माइंडसेट चेंज होता है कि भाई मुझे मेरा अकाउंट वापस से स्टार्ट करना है। तो अभी भी डिलीट करने के बाद भी 30 दिन आपके पास होंगे, आप वापस से आईडी पासवर्ड डाल के फिर से अपने अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझनी होगी, डिलीट कर दोगे अभी तो डिलीटेशन पर लग जाएगा, फेसबुक से हाइड हो जाएगा। 30 दिन का टाइम होगा, 30 दिन के अंदर अंदर वापस ले सकते हो, बट 30 दिन के बाद वापस नहीं मिलेगा। तो डिलीट अकाउंट पर टैप कर देना है तो आपका अकाउंट यहां पर फेसबुक से डिलीट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से शेड्यूलिंग डिलीटेशन पर लग चुका है, योर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर डिलीटेशन ऑन आज का डेट दिखाएगा, यानी कि आज आपका अकाउंट डिलीटेशन पर लग चुका है, आपका अकाउंट फेसबुक से हाइड हो जाएगा। अब वापस से आप जो चाहिए तो आईडी पासवर्ड डाल के फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो 30 दिन के बाद परमानेंटली फेसबुक सर्वर से ही फेसबुक डिलीट हो जाएगा, फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आई होप मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश किया हो। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।